આપણે એજીઆઈ ગ્રીન પેકના રિઝલ્ટ્સ આવતા જોયા. એમનો કી બિઝનેસ મેન્યુફેક્ચર અને સેલ ઓફ ગ્લાસ કન્ટેનર્સનો છે ને 20% માર્કેટ શેર ઇન્ડિયન ઓર્ગનાઇઝ્ડ ગ્લાસ પેકેજિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં રાખે છે. અને આપણે નંબર્સ પર એક પહેલાં ધ્યાન આપી દઈએ તો એક થોડાક મ્યુટેડ રેવન્યુ ગ્રોથ જોવા મળ્યો છે. એબિટા નેગેટિવ ઝોનમાં મળ્યો છે 17.5% પર, અને પ્રોફિટ થોડો વધ્યો છે પણ એ અધર ઇન્કમને લીધે આપણને એક સારો નંબર દેખાઈ રહ્યો છે. પણ વધારે આપણે વાતચીત કરીશું એજીઆઈ ગ્રીન પેકના સીઈઓ રાજેશ ખોસલા સાથે. રાજેશજી, બહોત સ્વાગત હૈ આપકા સીએનબીસી બજાર મેં. ઓર કેસે યે જો થોડી નંબર્સ મ્યુટેડ આયે હૈ, પહેલે તો અગર આપ નંબર્સ કે બારે મેં હમે આપ સમજા સકે તો. જો નંબર્સ હૈ વો હમારી જો ઇસ સાલ કી ગ્રોથ હૈ જો મેં 21-22 वो बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ हुई है. अगर हम अपनी टर्नओवर की बात करते हैं तो टर्नओवर हमारी ऑलमोस्ट 25% की ग्रोथ आई है. अगर हम अपने इबिटा नंबर पे बात करते हैं तो इबिटा के नंबर हमारे ऑलमोस्ट 27% की ग्रोथ आई है. अगर हम इबिट के नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे 43% नंबर की ग्रोथ आई है. और अगर हम बात करेंगे अपने पीबीटी नंबर की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 125% के नंबर की हमारी ग्रोथ आई है. सो बहुत ही एक रोबस्ट ग्रोथ आई है इन द ईयर 2021-22. और ये रोबस्ट ग्रोथ जबकि इस साल के अंदर जिस साल की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर दो बार ऐसा पीरियड आया जहां पे कोविड अपने पूरे चरम पे था. एक था अप्रैल मई के अंदर और एक था अगेन जनवरी फरवरी के अंदर जहां पे सारे सिस्टम्स या सारे शॉप्स और दुकानें सब बंद हो गई थी. और हमारा क्या 70% ऑफ द मटेरियल जो है हमारी जो प्रोडक्ट है वो जाते हैं बियर इंडस्ट्री को, लीकर इंडस्ट्री को, वाइन इंडस्ट्री को. और जब ये रेस्टोरेंट्स, होटल्स ये सब बंद हो जाते हैं, टूरिज्म बंद हो जाता है तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. बट इसके बावजूद भी हमारे जो नंबर्स हैं वो बहुत ही बढ़िया नंबर आए हैं 21-22 के. और वो नंबर हमारी बैलेंस शीट्स के और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में साफ दिखाई दे रहे हैं. तो सर, आपका रेवेन्यू ब्रेकअप कैसा है? कितना आपको रेवेन्यू बियर अल्कोहल इंडस्ट्री से मिल रहा है? कैसे ब्रेकअप आप हमें समझाएंगे? अगर हम अल्कोहल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट हमारा 70% रेवेन्यू हमारा इसको अल्को बिवरेजेस जो बोलते हैं जिसके अंदर बियर भी आता है, लीकर भी आता है, वाइन भी आता है और रेडी टू मिक्स ड्रिंक्स भी आते हैं, वो सब मिला के हमारा करीब करीब 70% रेवेन्यू हमारा उसमें से आता है. और बाकी हमारा जो रेवेन्यू आता है वो फूड में से आता है, फार्मास्यूटिकल से आता है और सॉफ्ट ड्रिंक से आता है, एक्सपोर्ट से आता है, इन बाकी सब चीजों से बाकी हमारा रेवेन्यू आता है. क्वार्टर फोर में वॉल्यूम ग्रोथ आपका कैसा रहा है और आगे जाके आप कैसा गाइडेंस देना चाहेंगे? तो देखिए, जहां तक क्वार्टर फोर की बात करते हैं, बिल्कुल क्वार्टर फोर में आपने बिल्कुल ठीक देखा है कि हमारे जो वॉल्यूम के नंबर थे वो थोड़े गिरे हुए थे. बट अगर हम पूरे साल की बात करते हैं तो हमारे वॉल्यूम के नंबर बढ़े हुए हैं. इट इज मोर देन 10% हमारी ग्रोथ आई हुई है. फोर्थ क्वार्टर में क्या हुआ था कि जनवरी और फरवरी के महीने में जब ये सारा टूरिज्म, रेस्टोरेंट ये सब बंद थे ओमिक्रॉन के कारण, तो ऑब्वियसली हमारा मटीरियल जो है और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारे जो कस्टमर थे उनके भी फैक्ट्रीज, उनके भी पैकेजिंग यूनिट सब बंद पड़े हुए थे, उसके कारण ये उठ नहीं पाया. बट उसके भी बावजूद यस, अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा डिप दिखेगा आपको, लेकिन अब जब ईयर टू ईयर की बात करेंगे 21-22 की और 20-21 की बात करेंगे तो उसमें बहुत ही बढ़िया हमारा रोबस्ट ग्रोथ आया है. और अगर मैं देखिए उसको मार्च टू मार्च महीने की बात करता हूं तो उसमें भी हमारा बहुत अच्छा रोबस्ट ग्रोथ है. वो यही बताता है कि लॉकडाउन के पीरियड के समय जो दो महीना हमारा इफेक्ट हो गया उसके कारण वो एक क्वार्टर में एक छोटा सा इंडिकेशन आप इसको इंटरप्रेट कर रहे होंगे, लेकिन एज सच ओवरऑल ग्रोथ बहुत बढ़िया है. और इस साल जो है, जो हमारा ये 22 और 23 का साल चल रहा है, इसमें बहुत ही बढ़िया ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई दे रही है. हर कस्टमर, हर एरिया, हर अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग दिख रही है. तो मुझे लगता है कि इस साल के अंदर भी हमारा जो ग्रोथ है, रेवेन्यू का ग्रोथ, वॉल्यूम का ग्रोथ, इबिटा का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होने वाला है और मार्केट के एक्सपेक्टेशन से कहीं बेटर होने वाला है हमारा. जी, अगर मार्जिन्स पे नज़र करें तो थोड़े प्रेशर में रहे हैं. आगे जाके आप मार्जिन का आउटलुक FY23 के लिए क्या देना चाहेंगे? कितने सस्टेनेबल रहेंगे? और साथ में कोई आपने क्लाइंट्स लॉक इन कर दिए हैं जिससे आपको अंदाज़ा आ सके कि कितने आप आगे बढ़ोतरी इसमें देख सकते हैं?
देखिए इस साल जो है हमने अपना जो इबिटा लेवल है वो करीब 18% पे हमें मिला है। उसका कारण एक ये भी है क्योंकि इन दी मंथ ऑफ जब ये ओमिक्रोन बहुत स्ट्रांग था तब पूरे के पूरे वर्ल्ड के सप्लाई चेन बिल्कुल डिसरप्ट हो गए थे। कॉमोडिटी प्राइसेस बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि देवर ऑन फायर, मतलब ऐसी हालत थी। तो क्या हुआ कि हमारे जितने भी कॉस्ट में इम्पेक्ट आना था वो आ चुका था हमारा लास्ट क्वार्टर में, और उसके कारण क्या है कि हमारे को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आए थे मार्जिन को लेके। लेकिन मार्केट से जो हमें बेटर प्राइसेस मिलनी चाहिए बिकॉज ऑफ द कॉस्ट रीजन, वो हमें मिली है मार्च के एंड में जाके और अप्रैल के अंदर, और कुछ जाके मिल रही है अभी मई के अंदर। तो ये वाला जो कंपनसेशन है वो तो अब इस क्वार्टर में जाके मिलेगा हमें, तो वो रेवेन्यू या वो मार्जिन्स जो हमारे पिछले क्वार्टर में थोड़े दब गए थे वो अभी उभर के आएंगे इस क्वार्टर में और अगले पूरे साल में। एक तो ये बात है, और दूसरा एक और है, हमारा एक और नया प्लांट है 154 प्लांट जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड क्लास का प्लांट है जिसके ऊपर हमने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है, और उसमें हम कॉस्मेटिक, परफ्यूमरी और जो वैक्सीन के वायल्स और हाई एंड लिकर ये सब बनाने वाले हैं, जिसकी रियलाइजेशन जो हमारी नॉर्मल रियलाइजेशन से ऑलमोस्ट 2 गुना से ज्यादा है जी। तो उसके जो मार्जिन हैं वो भी हमारे अच्छे खासे आएंगे, उसका अलग से हमारी एंटर होगा, प्लस हमारे जो प्राइसेस का स्ट्रक्चरिंग हो रहा है वो अलग होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल में हमारे जो मार्जिन है वो 2-2.5% का हमारा ग्रोथ दिखने को बड़े आराम से मिलेगा। तो जो आज हम 18% पे बैठे हैं तो वो शायद हम 20-21% के आसपास हमारा लेवल आ जाएगा अगले साल के अंदर। इस साल आई मीन टू से 21-22 की अगर हम बात करें तो जी, वो लेवल्स यूजुअली आपके रहे हैं। अब हम ये दफ़ा देख रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर रहा है, लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट, और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में हम वापस बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट टू ऑल, थैंक यू सो मच।